श्रीलंका छोड़कर भागा राजपक्षे परिवार, पूर्व पीएम का बेटा पहुंचा सिंगापुर। श्रीलंका के लोगों को इमरजेंसी के मुश्किल हालात के बीच छोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का बेटा योशिता राजपक्षे पत्नी के साथ देश छोड़कर भाग गया है। योशिता पिता की सरकार में दूसरा सबसे अहम व्यक्ति था। राजपक्षे सरकार में वो प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ था। पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार ने पूर्वी श्रीलंका के त्रिकोणमाली नेवल बेस में पनाह ली है। उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए बेस तक ले जाया गया था। इस बेस के बाहर आम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल है। 9 मई को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे विपक्ष के दबाव में इस्तीफा दे चुके थे। उनके इस्तीफे के बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आने लगी। राजपक्षे के नाखुश समर्थकों ने राजधानी कोलंबो में इस हिंसा को अंजाम दिया। इसके बाद उनके विरोधी भी भड़क गए। ऐसे में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यही नहीं, अब राजपक्षे के समर्थकों ने कोलंबो छोड़कर जाने लगे हैं। उनकी गाड़ियों को भी कई जगह निशाना बनाया गया। इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि महिंदा राजपक्षे ने शांति से आंदोलन करने वाले लोगों को भड़काया, इससे लोग हिंसक हो गए। विपक्ष की मांग है कि महिंदा राजपक्षे को फौरन गिरफ्तार किया जाए। कल भीड़ ने राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया और उसमें डेरा डालकर बैठ गए। दूसरी ओर गुस्साई भीड़ ने देश के प्रधानमंत्री के निजी आवास पर आग लगा दी और वहां खाना बनाने का भी कार्यक्रम किया था। श्रीलंका में स्थिति तनावपूर्ण है, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत हद तक हाथ चीन का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।